हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को लेकर के, तो एक्सेस में क्या खास है आइए दिखाता हूं। यहां पर सबसे पहले तो मैं एक्सेस 2021 को ओपन करता हूं। आप चाहे 2007 पे काम कीजिए या 2021 पर, ये काम जो आज मैं सिखाने वाला हूँ ये दोनों ही में हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ से ब्लैंक डेटाबेस पे जाना है और यहाँ से जो भी डेटाबेस आएगा उसी को मैं क्रिएट कर लूंगा। तो यहाँ से डेटाबेस तो हमने बना लिया, अब ये टेबल हम क्लोज करेंगे। और टेबल को क्लोज करने के बाद हम कहाँ जाएंगे, ये देखिए ये क्रिएट जो दिखाई दे रहा है इसी क्रिएट पे आपको क्लिक कर देना। जैसे ही क्लिक करेंगे ये देखिए ये क्लिक किया, तो क्लिक करते ही यहाँ पर आपको क्रिएट पे क्लिक करते ही यहाँ पर आपको नजर आएगा क्वेरी डिजाइन। तो क्वेरी डिजाइन पे चले जाइएगा और जैसे ही क्वेरी डिजाइन पे आते हैं तो यहाँ पर आपको एसक्यूएल नजर आएगा, तो बस आपको एसक्यूएल पे आ जाना है, ठीक है। अब ये एसक्यूएल पे आ चुके हैं हम, यहाँ पर हमको क्या करना है कैसे करना है उसको ध्यान से समझ लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। क्योंकि अगर आप कोई टेबल बनाना चाहते हैं तो आप सीधा सीधा क्रिएट कमांड लिखते हैं और यहां पे टेबल का नाम देते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहां पर टेबल का नाम दे देता हूं माई होम नाम से टेबल बना रहा हूं, ब्रैकेट ओपन किया और ब्रैकेट ओपन करने के बाद यहां पर डेटा टाइप देना है, ठीक है। तो डेटा टाइप देने में हमको यह ध्यान रखना है कि जो भी स्टार्ट करेंगे हम, तो हम यहां पर हम स्टार्ट करते हैं लाइक हाउस नंबर से, तो यह लिखा मैंने हाउस और यहां पर एनओ कर देते हैं। और इसका डेटा टाइप मैं रखूंगा इंट, क्या रखूंगा इंट, और इसे लिखूंगा नॉट नल। इसे क्या बना रहा हूं, प्राइमरी की बना रहा हूं, क्या बना रहा हूं प्राइमरी की, ठीक है। तो ये हमने पहला फील्ड जो है यहां पे ले लिया है, ठीक है। अब दूसरा फील्ड यहां पे एंटर करवाना है नेम ऑफ ओनर, तो यहां पे नेम के बाद हम अंडरस्कोर देके लिखेंगे, ये चीज ध्यान देनी है, नेम के बाद अंडरस्कोर देके लिखिएगा, नेम ऑफ ओनर करेंगे, ठीक है, ओ डब्ल्यू एन ई आर, नेम ऑफ ओनर हो गया। अब क्या करेंगे, इसको क्लोज करेंगे और क्लोज करके इससे भी पहले यहाँ पे डेटा टाइप देंगे हम, तो यहाँ पे वेयर केयर मैं दे देता हूँ वेयर केयर, और साइज क्या रख देंगे 20 रख दिया मैंने। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और जो ब्रैकेट ओपन हुआ था उसको भी क्लोज कर देंगे, यानी दोनों ही ब्रैकेट क्लोज कर लिया। अब ये देख सकते हैं इसको, इसको ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। अब क्या करना है, अब यहाँ पे टर्मिनेशन देना है, तो इस तरीके से टर्मिनेशन दे दीजिए। पहले देखिए यहाँ पे टेबल छूट गया, तो क्रिएट टेबल कर देंगे और माई होम नाम से टेबल जो है ये बन जाएगी, और जब इसको चलाएंगे तो आप देखेंगे कि ये माई होम नाम से टेबल बन गई। हालांकि आप रिकॉर्ड यहां से भी इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम यहां पर इंसर्ट इनटू कमांड का यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए इंसर्ट इनटू कमांड का यूज करते हैं, यहां पर नीचे आते हैं हम और नीचे आकर के यहां पर इंसर्ट इनटू चलाएंगे, तो यहां पर लिखेंगे इंसर्ट और फिर लिखेंगे इनटू, और टेबल का नाम हमारे क्या है, टेबल का नाम है माई होम, माई होम ये टेबल का नाम है। और यहां पर जो भी फील्ड नेम दिए गए हैं उनको यहां पर देना है, तो एच ओ यू एस ई हाउस नंबर है, फिर कॉमा देंगे, दूसरा क्या है, दूसरा है नेम ऑफ ओनर, तो जैसे लिखा गया नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर ओनर, तो जैसे लिखा गया बिल्कुल वैसे ही आपको भी टाइप कर देना है, ठीक है। तो ये नेम ऑफ ओनर हो गया, अब इसको बंद करना है और बंद करके क्या करना है, बंद करके और आपको एंटर प्रेस करना है, ठीक है। तो एंटर प्रेस कर दिया, अब यहां पर क्या करना है, यहां पर वैल्यूज डालनी है इसमें, तो ये लिखा वैल्यूज, और वैल्यूज लिखने के बाद यहां पर अब आपको हाउस नंबर डालना है, जैसे मान लीजिए हाउस नंबर है 233, ठीक है। तो इसमें सिंगल डिजिट कॉमा या डबल डिजिट कॉमा देने की जरूरत नहीं, ठीक है, क्योंकि ये तो नंबर है। और यहाँ पे नेम ऑफ ओनर में यहाँ पे लिख देते हैं राम किशन, तो ये नेम ऑफ ओनर जो है ये डबल डिजिट कॉमा में रहेगा। और यहाँ पे टर्मिनेशन देंगे और टर्मिनेशन देकर के इसको चलाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो है एक्सिक्यूट हो जाएगा, पहले ये क्वेरी डिजाइन पे जाएंगे और देन यहाँ से इसको रन करेंगे, ठीक है। लेकिन आप सेम पे करेंगे, सेम जगह पे करेंगे तो ये नहीं होगा, तो इसके लिए अलग से क्वेरी लिख दी जाएगी, ठीक है। जैसे ये तो एक क्वेरी हो गई जिससे हमारी टेबल बन गई, ठीक है, और दूसरी क्वेरी यहां से लिखेंगे, यानी यहां से क्रिएट पे जाएंगे और फिर क्वेरी डिजाइन पे जाएंगे और फिर यहां से एसक्यूएल पे जाएंगे, तो अब यहां पर जो है इंसर्ट करेंगे हम, ठीक है। तो यहां पर ये इंसर्ट करेंगे, ये देखिए ये सेम चीज यहां पर भी लिखी हुई है, इंसर्ट इन टू माई होम, फिर हाउस नंबर है, फिर नेम ऑफ ओनर है, और यहाँ पे वैल्यूज डाली गई है, तो हमारी टेबल तो बन चुकी है। अब यहां से जैसे इसको चलाएंगे तो ये लिखा हुआ आएगा यू आर अबाउट टू अपेंड वन रो, यानी आप एक रो इसमें इंसर्ट करने जा रहे हो, तो एक रो इंसर्ट हो चुकी है, देखिए कैसे कैसे इंसर्ट हुई है। तो यहाँ पर डबल क्लिक करिए, इसको ओपन कीजिए, तो यहाँ पर देखिए अभी ये दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन इस क्वेरी को हम सेव कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेरी टू नाम से ही सेव करते हैं और इसको क्वेरी वन नाम से ही सेव कर देते हैं, दोनों को सेव कर देते हैं, फिर बंद करेंगे और इसको यस करेंगे यहाँ से, और यहाँ से इसको भी बंद कर देंगे। अब इसको डबल क्लिक करके ओपन करेंगे तो यहाँ देखिए पहला रिकॉर्ड जो है इंसर्ट हो चुका है, लेकिन अब सवाल यह है कि इसमें दूसरा रिकॉर्ड कैसे इंसर्ट होगा, तो दूसरा रिकॉर्ड इंसर्ट कराना भी बड़ा आसान है, कैसे, ये देखिए यहां पर आएंगे तो अब खाली आपको यहां पे नेम चेंज करना है, जैसे हाउस नंबर चेंज करना है, नेम ऑफ ओनर चेंज करना है, ठीक है। तो
तो हाउस नंबर 765 है, ठीक है। और नेम ऑफ ओनर अविनाश यहाँ कर देते हैं, तो यहाँ पे देखिए ए भी नेम ऑफ ओनर में अविनाश टाइप कर दिया। आप इसको चलाएंगे फिर वापस से, तो देखिए ये कह रहा है यू आर अबाउट टू अपेंड वन रोज, तो एक और रो इसमें इंसर्ट हो जाएगी। अब देखेंगे तो इसमें आपको अभी एक ही दिख रहा है, लेकिन यहाँ से रिफ्रेश करेंगे ना तो दोनों दिखाई देने लगेगा, ठीक है। लेकिन क्या हम ये 233 या 665 जो है 765 इसको हम दोबारा रिपीट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कैसे, आइए दिखाता हूं। यहां पर हम जाएंगे वापस न्यू क्वेरी बनाने के लिए, तो क्वेरी डिजाइन पे गए, यहां पे आए और अब फिर वही चीज कि यहां पे अब हम रिपीट करें। तो यहां पे 233 को बाकी चीजों को आप रिपीट कर सकते हो, लेकिन जो आपकी हाउस नंबर है उसको आप रिपीट नहीं कर सकते, ठीक है। कैसे नहीं कर सकते, आइए दिखाता हूँ। यहाँ पर अब दोबारा से हम इसको करने जाएंगे यहाँ से, तो ये देखिए ये कह रहा है यू आर अबाउट टू अपेंड वन रूट, ठीक है। और यहाँ पे जैसे इसको चलाते हैं तो ये अपेंड नहीं करता और ये कहता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस कैन नॉट अपेंड ऑल द रिकॉर्ड्स इन द अपेंड क्वेरी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 233 जो है डुप्लीकेट हो गया, तो इसी वजह से ये इंसर्ट नहीं होगा। लेकिन जैसे ही इसमें एक नंबर हटा देते हैं, ये 23 रह जाता है, तब इसको चलाएंगे तो ये तुरंत ही अपेंड हो जाएगा और उसमें वैल्यूज भी आ जाएंगे, ठीक है। अब ये नहीं आ रहा है, यहाँ से रिफ्रेश कर दीजिए, आपको दिखने लगेगा। देखिए दिख रहा है ना, तो इस तरीके से ये होगा, ठीक है। अब चूंकि हम ये चाहते हैं